الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيْطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق الله सूरतमुमजादला और अट्ठाईस पारे की इब्तदाई आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं आज आपके के सामने अट्ठाईस पारे के मजामी का खुलासा बयान किया जाएगा अट्ठाईस पारे में कुल नौ सूरतें सूर अलमजादलाअ तहरीम नौ सूरतें आएँगी और उन नौ सूरतों के मजामी आपके सामने आएँगे सूरत अमजादला मदनी सूर मुबारका है इसमें बाईस आयात हैं और तीन रुकू हैं अलजादला असल में बहस करना मुबासा करना ये मुबासे और बहस के अनवान से और जो जिदाल और लड़ाई या एतराज़ और इख्लाफ करना इख्लाफ राय करना मुनाजरा करना इन सब मानों में अलमजादले का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चुनाचे इसमें भी एक ख़ातून का एक मुजादला या एक ख़ातून का यूँ समझ लीजिए कि मुनाजरा करना या नबी करीम अलैहि वसल्लम से कुछ गुफगू इस अंदाज़ से करना कि जैसे वो दलील मांग रही हो और मसले का हल मांग रही हो वो इस गुफ्तु को चूँकि यहाँ नकल किया गया इसलिए हक तशाह ने इस सुर मुबारक का नाम सूरतुमुमजादला रखा इस सुरः मुबारक में मजमुई तौर पर चार मजामी बयान किए गए हैं पहला मजमून जो है वो जहार के मुतल है जो आयत मुबारक नंबर एक से लेकर और चार तक चलता है फिर दूसरा मजमून यहूद और मुनाफिक की सरगोशियाँ और उनकी जो सरगर्मियाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ थी वो चलती हैं पाँच से लेकर दस आयात तक और उसके बाद तीसरे नंबर पर आदाब मजलिस आयत नंबर ग्यारह में बयान किए गए और चौथा मजमून जो है वो मुनाफीन का हाल बयान किया गया बारह से लेकर बाईस यानी आखिरी आयत मुबारक तक चुनाचे आगाज़ होता है, हक्ता आला जल्लशान हो आगाज़ फरमाते हैं उस खातून की बात से, قدسمي الله قول اللتي تجادل كفي زودها وتشتكي اللّه والله يسمع تحاوركما के अल्लाह ने उसकी बात सुन ली, जो तुमसे अपने शाहर के बारे में बहस कर रही थी जो शह शोहर के बारे में तुमसे मुजादला कर रही थी उसके बारे में तुमसे दलील तलब कर रही थी और मसले का हल दरियाफ़त कर रही थी वो शौहर के बारे में क्या मामला था और क्या मसला था वो मसला असल में अरब का एक दस्तूर या उनकी एक सकाफत और तहजीब थी कि वो जब अपनी बीवी से जुदा होना चाहते थे अलग होना चाहते थे तो उसको ये कह देते थे, थे कि तू मेरे लिए माँ की तरह मोहतरम है इसको जहार कहा जाता था अरबी में इसको और उनकी सकाफत और उनकी तहजीब में इसको जहार कहा जाता था जैसे इस्लाम ने तलाक़ की असलाह मुतारफ़ कराई कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से अपने आप को अलग करना चाहता है बीवी को अपने आप से अलग करना चाहता है तो उसके लिए तलाक़ का लफ्शरीत इस्लामिया ने इस्तेमाल किया इसी तरह वहाँ ये इस, इस इसका इस्तेमाल बज़री जहार था और जहार इसलिए कहा जाता था कि वह इबारत यही बोलते थे कि अंत आलिया का ज़ाहर उम्मी कि तू मेरे लिए ऐसी ही मोहतरम है जैसे मेरी माँ मेरे लिए मोहतरम है मेरी माँ की पुश जैसे मेरे लिए मोहतरम है ऐसी तू भी मेरे लिए मोहतरम है हक्ता शाहानू ने भी इसके मुतल कोई बात नाजिल नहीं फरमाई थी कि इसकी हकीक़त क्या है या इसका हुक्म क्या है और इसके नतीजा क्या निकलेगा वाक़ता इससे शोहर और मर्द के दरमियान जुदाई पैदा हो जाएगी रिश्ते निका ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा तो ये औरत यह मसला लेकर आई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब नहीं दे रहे थे इसलिए कि अभी तक कोई वही का नज़ूल नहीं हुआ था इस बारे में शरीयत इस्लामिया का कोई हुक्म जो है वो वाजे और नाजिल नहीं हुआ था इसलिए वो औरत बार बार पूछ रही थी और आप खामोश थे तो उसकी इस बार बार पूछने को और इसकी इस कैफियत को एक बड़ी बेचैनी और तड़प थी उस औरत के अंदर कि मुझे शरीयत का सही मसला भी मालूम हो जाए और मुझे यह भी पता चल जाए कि यह शौहर ने मेरे हवाले से जो बात की है उस बात की क्या हैसियत है चुनाच वही नाजिल हुई और हक हफ़्ता शाह नहु ने यह बात इरशाद फरमा दी कि मिन मिनकस मा हन्ना महातम कि बीवी को माँ कह देने से वो माँ तो नहीं बन जाती माँ का एक रिश्ता है उसका एक तकद्दस है उसका एक अदब है उसकी एक ताज़ीम है उसका एक अहतराम है और उसकी एक, एक एंटिटी और उसकी एक शनाख्त है एक औरत है जो माँ के मनसब के ऊपर फ़ायज़ है अल्लाह ताला ने उसे माँ का मनसब और माँ का रुतबा दिया है यूँ हर औरत को माँ कहने से वो माँ तो नहीं बन जाती असल में शरीयत इस्लामिया रिश्तों के तकद्दस को बड़ा मलहूज रखती है और इस बात को का बड़ा लिहाज होता है कि रिश्तों का जो अदब और तकद्दस है रिश्तों का जो एहतराम है आपको याद होगा सूरत के अंदर भी मैंने ये बात अर्ज की थी कि जहाँ हक्तशाह नहु ने कुछ महरम रिश्ते बयान किए थे कि महातकम व बना तकम वाहवातकम वहाँ यही बात अर्ज की गई थी कि हक्त जल्लाशाह इन रिश्तों का तकदस बतला बत बत रहे हैं कि माँ का तकदस क्या है खाला का तकदस क्या है बहन का तकदस क्या है बेटी का तकदस क्या है बहू का तकदस क्या है इसी तरह से माँ का जो तकद्दस है वो ज़ाहिर है कि इन तमाम रिश्तों में सबसे आला और सबसे बेहतर तकद्दस है उस तकद्दस के आगे सारे रिश्तों का तकद्दस जो है वो बिल्कुल हेच है हक्ता जल्शान ये बात बयान करते हैं कि किसी को कोई अगर, अगर अपनी बीवी को या किसी औरत को माँ कह देता है उससे वो माँ नहीं बन जाती इसलिए कि माँ का जो तकद्दस है वो माँ ही के लिए मखसूस है चुनाच अगर कोई शख्स ये कह दे और इस इरादे और इस नीयत से कह दे कि जैसे मेरे लिए माँ मुक़दस है मोहतरम है ऐसे ही तू भी मेरे लिए मोहतरम है मुक़दस है अपनी बीवी को अगर वैसे किसी आदत मिजाज में सूरत शक्ल में या किसी बात में मुशाबहत कर दे कि ये मेरी माँ की तरह की बात की तूने या आज खाना तूने मेरी माँ की तरह का पकाया आज कपड़े तूने मेरी माँ की तरह के पहनिए इस तरह की मुशाहत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाँ इस नीयत और इरादे से अगर कोई शख्स ये कहे कि जिस तरह मेरे लिए मेरी माँ मोहरम है मुक़दस है इसी तरह तू भी मेरे लिए मोहतरमक़दस है तो उसके लिए एक कफ़ारा बयान किया और वह कफ़ारा ये बयान किया कि फ़तहरीरकब या तो एक गुलाम को आज़ाद किया जाए या वालकुम तो अज़ून नबी खबीर और अगर ग़ुला मौजूद नहीं है तो फमल नदीर फसियाम शाहरिन मत दो महीने के मुसलसल रोज़े रखे जाएँ दो महीने के मुसलसल रोज़े रखे जाएँ इस जुर्माने के अंदर के एक ऐसी औरत को जो माँ नहीं है आपने माँ कैसे कह दिया माँ का तकद्दस उसे कैसे दे दिया माँ का अहतराम और माँ की हरमत उसे कैसे दे दी दो महीने के मुतबयन मुसलसल रोज़े रखे जाएं और उससे पहले ताल्लुक़ क़ायम करना बीवी के पास जाना नाजायज़ और हराम है फमल्लम यस्तः और अगर कोई शख्स दो दो माह के मुसलसल रोज़े रखने की इस्तात और ताकत नहीं रखता तो आम उसे तीन मस्कीना तो साठ मस्किनों को खाना खिलाए साठ मस्किनों को खाना खिलाए तो इसके माना ये होंगे कि वो कफारा अदा हो जाएगा तो इन तीन कफारों में से कोई कफारा अदा करेगा तो इसके माना ये हैं कि उसने उस बात का कफ़ारा दे दिया उसका जुर्माना दे दिया कि जो बात उसने गैर मुनासिब कही थी अपनी बीवी को माँ कहकर चुनाच हकता आलाजिलाशाह बात इर्शाद फरमा रहे हैं कि देखो इनदीन अल्लाह रसुलू कबी तो कमा कुीन मिनकबिलहम के जो अल्लाह की बनाई हुई हदूद को पामाल करते हैं उनका हद का पामाल करना ऐसा ही है जैसे पहले लोगों ने भी इस तरह की हरकत की अल्लाह ने जो हदूद उनके लिए बनाई थी उन्होंने उनको पामाल किया अल्लाह के अजाब का निशाना बने इस बात को बयान करने और इस मसले को बयान करने के बाद हक हक्ता जल्श नया आयत मुबारक नंबर सात से फिर मुनाफीन और यहूदियों की जो आपस में या मुनाफिक की मंजलिस रसूल सल्लाम में बैठ कर जो सरगोशियाँ होती थी उन सरगोशियों को बयान किया सूरत हाल ये थी और इन आयात का जान नजूल मुफसरिन ने बयान किया वो ये कि ये अलैहि वसल्लम के मजलिस में आकर बैठ जाते थे क्योंकि जाहिर है दावा इस्लाम का था दावा ये था कि हम भी मुसलमान हैं लिहाजा आके बैठ जाते थे और बजाय इसके कि जिस तरह सहाबा रसोल्लाम की गुफ्तु आपकी बातचीत आपके फरामीन बड़ी तोज्जो और खामोशी के साथ सुन रहे हों इसके बजाय आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे आपस में एक दूसरे से सरगोशियाँ करते रहते थे और मुसलमानों की तरफ़ देख देख के हंसते रहते थे यानी बिल्कुल वो स्टाइल या वो अंदाज़ था कि जैसे मजलिस में आप बैठे हुए हैं कोई दो अफराद अलग बैठ जाएं और मजलिस में बैठे हुए दूसरे अफराद की तरफ देख देख के हंसें भी और आपस में कुछ खुसर फुसर भी करें तो इससे जाहिर है कि मजलिस में बैठे हुए दूसरे लोग ये समझेंगे कि ये कोई हमारे खिलाफ़ बात कर रहा है हमारी कोई बुराइयां कर रहे हैं आपस में बैठे हुए तो हक़ अला जल्शन ने उसको बयान किया कि माँ यकून उमिन नजवा सलासतीम वला ख़मसति हुआ साहम वला अदनाजाल वला अक्सर हुआ माहम अम देखो तुम ये समझते हो कि हम दो आदमी अगर सरगोशी कर रहे हैं तो तीसरा कोई नहीं सुन रहा हमारी बात या हम तीन आदमी सरगोशी कर रहे हैं तो चौथा कोई नहीं सुन रहा हमारी बात हालाँकि ये तुम्हारी भूल है अगर तुम दो आदमी सरगोशी कर रहे हो तो तीसरा अल्लाह तुम्हारी बात सुन रहा है अगर तुम तीन आदमी आपस में सरगोशियाँ कर रहे हो तो चौथा अल्लाह है जो तुम्हारी बात सुन रहा है तुम्हारी हर एक, एक हरकत को देख रहा है तुम्हारी एक एक चीज़ को सुन रहा है लिहाजा अलम अलम तरा लजीना नहूअवासम तनाजौ रसूल व इजा जाऊ का है्यू कभी का भी हिल्ला लिहाजा ये लोग इस तरह की साजिशें किया करते थे रसूल वसम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपस में इस तरह की सरगोशियाँ करते थे चुनाच हक़ अलाशानू उन्होंने फ़ैसला फ़रमा दिया कि हसबुहम जहन्नम इनका आखिरी हिसाब और आखिरी ठिकाना जो है वह जहन्नम होगा फ़बल मसीर और वह इंतहा बुरा ठिकाना है चुनाच हकत आलाशानू ने इस जमीन में आपस की गुफ्तु का अदब बतलाया कि जब दो आदमी तीन आदमी चार आदमी आपस में गुफ्तू करें एक तो ये कि मजलिस के ये आदाब में से गोया बात समझा दी गई कि जब मजलिस में आप बैठे हुए हैं तो मजलिस में इस तरह से कोई अलहदा ग्रुप बना लेना और अलहदा हल्का ग्रुप बनाकर आपस में आप एक दूसरे से सरगोशियाँ और बातचीत करना ये वैसे भी आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है लेकिन अगर कोई इस तरह की सूरत हाल की भी जाए अगर इस तरह की ग्रुप बंदी हो जाए जैसे बाद अवकात वर्कशॉप्स में होता है तो उसमें जो तनाज़ होना चाहिए उसमें जो आपस में गुफगु और सरगोशी होनी चाहिए व तनाज़ व बिल बर्र व तकवा वो नेकी और तकवा की होनी चाहिए इस तरह के ग्रुप्स अगर आपके ग्रुप डिस्कशंस बन जाते हैं वह आपस में कोई नेकी और तकवा की बात कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं एक ग्रुप इधर बैठा हुआ डिस्कशन कर रहा है एक इधर बैठा हुआ डिस्कशन कर रहा है इसमें कोई हरज की बात नहीं है अगर कोई वो गुनाह की बात नहीं है किसी के खिलाफ कोई की साजिश नहीं हो रही किसी के खिलाफ कोई बुराई नहीं हो रही तो इस तरह की बात को अगर इस तरह मजलिस में तकसीम कर दिया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है चुनाच चौथा मजमून बयान किया गया और चौथा मज़मून ये बयान किया गया कि ये मुनाफ़िन अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा करते थे कि हम आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहते हैं हम आपसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं तन्हाई में बातें करना चाहते हैं या यूह लदीना मनोजाना जय तुम रसूल फ़क़म बनाई नजवाक नजवाकुम सदक़ा अगर तुम तन्हाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बात करना चाहते हो तो पहले कुछ सदक़ा करो ये एक उनके ऊपर यानी यूँ समझ लीजिए कि एक कंपलसरी चैरिटी उनके ऊपर लगा दी गई कि तुम्हें एक लाजमी सदक़ा देना है अगर तुम रसोलसम से अलकेले में और तन्हाई में बात करना चाहते हो लिहाजा ये बात तय है कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जिसमें इस्लाम का दीन का या दीन इस्लाम के मानने वालों का कोई नुकसान हो और ये बात याद रखना कि कतब अल्लास कबीन अजीज अल्लाह ते लिख दिया है अल्लाह का ये फ़ैसला है और ये फ़ैसला अल्लाह ने लिख दिया है कि ला अगल व रसूली कि अल्लाह गालिब आएगा और अल्लाह का रसूल गालिब आएगा ये एक हकीक़त है ये एक बात है ये मैं आज खबर दे रहा हूँ ये होनी होनी है हक हो बड़े पुरजलाल अपने गलबे की और अपने रसूल के गलबे की ख़बर दे रहा है और ये बात कह रहा है कि इन अल्लाह अजीज़ अल्लाह ताल अज़ीज़ है चुनाच कामयाबी हासिल करने का गुर क्या है गालिब आने का गुर क्या है उस गालिब आने के गुर को अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं और उसी मज़मून पर सूरतमजादला का अख्तितम होता है कि उला हिजबाल अला हज़बल्ल अल्लाह की जमात बन जाओ हिजबाल्ला बन जाओ अल्लाह की जमात बन जाओ यानी अल्लाह की जमात बन बनने का क्या मतलब है अल्लाह की जमात बनने का मतलब यह है कि अल्लाह पर ईमान कबूल कर लो अल्लाह के रसूल पर ईमान कबूल कर लो रोज़ आखिरत पर ईमान कबूल कर लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो अमल साले और जो इबादत और मामला और माशरत बतलाएं उन पर अमल कर लो हिजबुल्ला बन जाओगे और जब हिज़बल्ला बन जाओगे तो अला हज़बाल्ल हुमुल मुफ्लिहून और इसी को एक मक़ाम पर इरशाद फरमाया गया था कि अला हुमुल गालिबून के अल्लाह ही की जमात हमेशा गालिब आती है और अल्लाह ही की जमात हमेशा फ़लाह और कामयाबी हासिल करने वाली होती है हशर दूसरी सूरह मुबारक है अट्ठाईसवें पारे की हशर मदनी सूर मुबारक है इसमें चौबीस आयात हैं और तीन रुकू हैं अशर असल में अरबी में जमा करने को कहते हैं और इस सूरह मुबारका का नाम अशर इसलिए है कि रसूल सल्लम ने एक मौके पर यहूदियों को जमा करके और यहूदियों से एक माहे को उनको याद दिलाया था असल में बात यह है कि इस शूरा मुबारक में मीसाक मदीना का और उस माह मदीना का ज़िक्र हो रहा है कि जो मीसाक मदीना रसोल व्ल् ने हजरत के फ़ौर किया था और उस मीसाक मदीना में यहूद मदीना जो यहूद के आसपास यहूद कबाइल रहते थे मदीन के आसपास वो भी इस माहे में शर्क थे और उसमें यहूद इस बात के पाबंद थे कि अगर मुसलमानों पर कोई दुश्मन हमला आवर होगा तो वो मुसलमानों की मदद करेंगे दुश्मन की मदद नहीं करेंगे इसी तरह इस माहे के तहत मुसलमान इस बात के पाबंद थे कि अगर यहूद के ऊपर कोई दुश्मन हमला आवर होगा तो मुसलमान यहूद की मदद करेंगे उस दुश्मन की मदद नहीं करेंगे यह आपस का एक माहदा था और और भी बहुत सारी शकें थी लेकिन ये बड़ी अहम शिक थी जो यहूद के हवाले से थी और इसे मीसाक़ मदीना कहा जाता है और ये यूँ समझ लीजिए कि रियासत इस्लामी का पहला तहरीरी दस्तूर था जो तारीख़ इस्लामी के अंदर हमारे सामने आया यहूद मदीना ने इस माहदे की ख़िलाफ़वर्जी की रसूल सल्लम के दुश्मनों की मदद की गजब बदर के मौके पर भी उनकी मदद की ग़बा उहद के मौके पर भी उनकी मदद की गज़वा ख़ंदक के मौके पर भी उनकी मदद की रसोल्ला ने यह देखा कि यहूद मदीना और ख़ास तौर पर जो बनू नज़ीर क़बीला है उस बनू नज़ीर क़बीले ने बतौर ख़ास मुखालफत की उसदो पैमान की फिर मज़ीद ये हुआ कि रसोल्लाम ने इन तमाम यहूद यहूदी कबाइल को जमा करने के लिए कहा कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह सब जमा हों मैं हाज़िर हूँ मैं आऊँगा और मैं आकर बात करूँगा कि हमारे दरमियान क्या माह हुआ था और उस माहे की ख़िलाफ़ वर्जी किसने की है क्यों की है उसकी वजाहत तलब की जाएगी चुनाच इन बन नज़ीर के यहूद ने यह मनसूबा बनाया कि रसोल्लाम को एक पहाड़ के दामन में पहाड़ के नीचे बिठाया जाएगा और एक बंदा ऊपर से ऐसा करेगा कि वो पहाड़ से कोई पत्थर कोई बड़ी सी चटान जो है वो नीचे लुढ़का देगा रसूल सल्ला व्ल् पर वो चटान गिरेगी और रसूल सल वसल् नावज़ुबिल्ला उससे वफात पा जाएगी ये मंसूबा इन लोगों ने बनाया और इस मंसूबे की खबर अल्लाह ताला ने नबी तबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी और ये ये मीटिंग जो होनी थी वो मीटिंग तय हो गई और अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँच गए अलैहि वसल्लम को जब वही इलाही से इस बात की ख़बर हुई तो आप ऐसे उठे जैसे कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई क़ज़ाए हाजत के लिए उठता है थोड़ी सी देर को और उठ कर आप अपने घर तशीफ ले आए चुनाच उस वाक मुबारक वा ल्दी पहले दिन जमा करने के उन्हें निकल जाने का हुक्म दिया चुनाचे इस वाक्य के बाद रसूल ने यहूद मदीना को एक मोहलत दी और यह कहा कि इस मोहलत के अंदर अंदर या तो तुम मदीने की सरहदें छोड़ कर और मदीने के आस पास के इलाके छोड़ कर कहीं और अपनी रिहाइश मुंतकिल कर लो वरना ना हम तुम्हारे से लड़ाई और तुम्हारे से जंग करेंगे तो ना हमला हुआ और ये यहूद जो थे वो सारे अपना साजो सामान छोड़ कर निकल गए और चले गए इस जमीन में जाहिर है कि माल गनीमत और माल फे के तौर पर मुसलमानों के हाथ बहुत सारा माल आया उस माल फै के अहकाम इस सूर्य मुबारक में बयान किए गए माफा उसूल मिन अहरा वल वल रसूल वल्दुलकरबा नबी करीम सल्लम की नबूत और रसालत को आपके अहल बैत की अज़त को और आपकी नबूत और रसालत की अज़मत को बयान किया गया और ये बतलाया गया कि रसूल सल वम के अहल बैत का ज़द्दस है आपके अहलआयाल की जो आज़मत है आपके आयाल का जो तकदस है और आपके घर वालों का जो तकदस है उस तकदस का और उस अदबराम का लिहाज रखना ये नहायत ज़रूरी बात है चुनान खलफा राशिदीन के दौर में खूसरत उबकर सिद्दीक हज़रत ममर फ़ारूक हज़रतमान गनी के दौर में हज़रत अली रजी अल्लाह तहु के हवाले से इस बात का बड़ा लिहाज रखा जाता था कि हज़र आली रजी अल्लाह तन नबी करीम सल वसम से बहुत करीबी कराबत रखने वाले हैं लिहाज़ा इस ज़मीन में उनके उनके एक इज़्ज़त अहतराम का भी मामला रखा जाता था और माल फ़ै और माल गनीमत में से भी हिस्सा उन्हें दिया जाता था चुनाचे इन बातों को बयान करते हुए हूँ आखिर में एक हिदायत अरशाद फरमा रहे अहले ई ईमान को मुखातब किया गया या आ मनत वल तंजुर के ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और अपने आगे के लिए कुछ अमल जो है उसका जख़ीरा करो ये ज़रा देखते रहो बल तनजुल नफस मकदम ये ज़रा जायज़ा लेते रहो कि तुमने आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रखी है आखिरत के लिए तुम्हारा नामायमाल किस लिहाज में है इस काबिल है कि अल्लाह के सामने पेश किया जा सके इस काबिल है कि अल्लाह ताली तुम्हें कामयाबी का परवाना दे दे यह इसबिल नहीं है चनाचे इस बात को बयान करते हुए हकताजल शानु एक बुनियादी असूल बयान करते हैं कि लास्तवी असहाबुल्नारसाबुलजन्ना असहाबुलजन्नत हमुलफाज़ून देखो ये बात याद रखना कि नार वाले आग वाले जहन्नम में जाने वाले और जन्नत में जाने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते असहाबुलजन्ना जो हैं जो जन्नत के मुस्तक करार दिए गए हैं जो जन्नत में जाएँगे व हुमल्फ़ाज़ून असल कामयाबी तो उनके हाथ में आई है वो कामयाब लोग हैं वो फायक लोग हैं वो बुलंद बाला लोग हैं चुनाच हकताजल शाह उनकी बुलंदी को बयान करते हुए अपने सिफाती नामों को जिक्र करता है वलिलन अल्लाह के सिफाती नाम हैं अल्लाह ताली उनफ़ाती नामों को जिक्र करता है उन सिफ़ाती नामों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई कि वली अल्लाह ताला के तन्नवे आसमाय हुस्ना हैं मन अहसाहा अहसा जन्ना कि जो उनको याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल हो गया और मलिकुकुद्दूसमिनम नन्नानवे नाम हैं उनमें से कुछ नाम यहाँ आ रहे हैं इन नामों पर अगर आप गौर करें दर हकीकत अल्लाह की सिफात अल्लाह की ज़ात अल्लाह की हस्ती तो ऐसी है कि इंसान अल्लाह की हस्ती को या अल्लाह की सिफात को समझ ही नहीं सकता ना अल्लाह की सिफात का अहाता कर सकता है हम जब किसी का नाम लेते हैं किसी की बात करते हैं ये यूँ है ये है फ़लाँ है, फ़लाँ है, कारी भी है हाफिज़ भी है आलिम भी है बहुत बड़ा इस्कॉलर भी है महक्क़ भी है फ़लाँ सिफाती नाम देते हैं लेकिन अल्लाह की सिफात अगर आप गिनवाना शुरू करें और अल्लाह की सिफात कर... के नाम लेना शुरू करें तो उसकी कोई हद इंतहा नहीं है कहाँ रुकेंगे ये अल्लाह का बड़ा करम और फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने पहले तो बुनियादी तौर पर अपनी सिफात को दो किस्मों में तकसीम कर दिया एक जलाली सिफात कहलाती हैं और एक जमाली सिफात कहलाती हैं और फिर इन जलाली और जमाली सिफात को अल्लाह ताला ताला ने नन्ानवे नामों के अंदर समो दिया ये हमारी सहूलत के लिए है वगरना इसका यह मतलब नहीं है कि जिसने निन्नवे नाम याद कर लिए या नन्यानवे सिफात के साथ अल्लाह को याद कर लिया इसका मतलब है उसने अल्लाह की सिफ़ात का हक़ अदा कर दिया हकीकत तो यह है कि अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है कि इंसान सारी जिंदगी भी सजदे में पड़ा रहे तो अल्लाह की किबरियाई का और अल्लाह की अजमत का हक़ अदा नहीं हो सकता सूरतमतना का आगाज़ होता है सूरतमतना भी मदनी सर मुबारक है इसमें तेरह आयात हैं और दो रुकू हैं ये शूर मुबारक सुलह उदैबिया और फ़तह मक् के दरमियान नाजिल हुई है सुलहुदेबिया के हवाले से फ सूरतफ़त के अंदर हम बड़ी तफसील पढ़ चुके हैं कि सुलहदेबिया के मौके पर जो बैत हुई थी लक़द रज़ी मिनीन ज़बा का तहत शरा यहाँ ये बात इस इस सुलह उदैबिया की इस शक़ के ऊपर बहस हो रही है कि सुलह उदैबिया में एक शिक ये तय की गई थी कि जो शख्स मक्का मुकर्रमा से भाग कर मदीना मुनवरा आ जाएगा मुसलमान उसे वापस कर देंगे और अगर कोई मदीने से भाग कर जाएगा मक्का मुकर्रमा तो मु, कुफ़ार मक्का उसे वापस नहीं करेंगे ये शिक तय हुई थी चुनाच इस शिक का इतलाक़ हुआ और फौरी तौर पर जैसे फतह के मजामीन के ज़मिन में आप इसको सुन चुके हैं लेकिन एक खातून जो थी वो इस तरह से भाग कर आ गई। उन खातून के मुतालिक क्या है ये मर्दों के मुतालिक तो ये बात तय हो गई थी और एक मर्द को इस वजह से और इस शिक्क़ की वजह से वापस भी भेज दिया गया था लेकिन ख़ातून के मुतालिक ये बात तय नहीं हुई थी चुनाच उसके मुतालिक इस मुमतहना के अंदर ये बात तय हुई कि अगर कोई ख़ातून ऐसी है कि वो ईमान ले आई है शोहर अभी मोमिन नहीं है शोहर अभी काफ़िर है जाहिर है कि वो छोड़ कर आ गई बेटी है ईमान ले आई बाप अभी ईमान नहीं लाया वो अपने माँ बाप को छोड़ कर आ गई तो ऐसी सूरत हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जायज़ा लेंगे ये देखेंगे कि वाकई ये जो ख़ातून आई हैं ये हकीकी तौर पर मुसलमान हुई है इखलास के साथ मुसलमान हुई है और मुसलमान होकर मदीने आई है या ये कि यह किसी जासूसी या किसी और बुरी नीयत से तो नहीं आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इम्तिहान में अगर उस खातून को कामयाब करार देंगे तो फिर उसे वापस नहीं किया जाएगा और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इम्तिहान में कामयाब उस ख़ातून को नहीं करार देंगे तो उसे वापस कर दिया जाएगा इस बात को बयान करने के लिए ये सूरह मुबारक नाजिल हुई है और इस सूरह मुबारक का आगाज़ एक बुनियादी उसूली तालीम से हो रहा है और वह बुनियादी और उसूली तलीम क्या है कि या युद्धी आन तदू वी वकुम अलिया कि देखो ए ईमान वालों मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाना यानी क्या मतलब कि अहले ईमान की जो दोस्ती है या अहले ईमान की जो दुश्मनी है वो नज़रियाती बुनियाद पर होनी चाहिए वो किसी और बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए उसकी बुनियाद वसास या उसकी गरज कोई और हती के कोई रिश्ता और ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए हज़रतरद्दीक का वाक़ा मैं आपके सामने नकल कर चुका हूँ कि गजवा बदर में हज़रत उबकर मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे और उनके बेटे काफ़िरों की तरफ से लड़ रहे थे तो बाद में इस्लाम लाने के बाद उनके बेटे ने कहा बाजान कई मरतबा ऐसा हुआ गजवा बदर के दौरान आप मेरी तलवार की ज़द में आने लगे मैंने हाथ रोक लिया अबू सिद्दीक ने कहा जाने पिदर तुमने तो बाप समझ के हाथ रोक लिया था लेकिन खुदा की कसम अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं एक लम्हे के लिए भी हाथ ना रोकता इसका मतलब क्या हुआ कि अहले ईमान की जो दोस्ती और अदावत मोहब्बत और नफ़रत ये सब का अल्लाह की बुनियाद अल्लाह के रसूल की मन अहब्बल व अब गजल जो मोहब्बत करता है तो वो भी अल्लाह के लिए है यानी मोहब्बत किसी से है इस वजह से है कि वो मोमिन आदमी है वो नेक आदमी है मुत्तकी परहेजगार है नमाज़ी है अच्छी आदत का मालिक है सच बोलता है झूठ नहीं बोलता दयानतदार है हाइन नहीं है आप किसी से मोहब्बत इस बुनियाद पर करते हैं किसी से नफरत इस बुनियाद पर करते हैं कि वो झूठा आदमी है झूठ बोलता रहता है बद है ख़ायन है आप किसी से नफरत इस बुनियाद पर करते हैं यह है मन अहबिल्ल व अब गलिला लिहाजा अहिल ईमान की मोहब्बत और दोस्ती या दुश्मनी अदावत और नफ़रत की बुनियाद ईमान और उसके मज़ाहिर होनी चाहिए और इसी बात की बुनियाद पर दोस्ती होनी चाहिए इसी बात की बुनियाद पर दुश्मनी होनी चाहिए चनाचे इस बात को बयान करते हुए हूँ फिर काफ़िर की दो अकसाम बयान कर रहा है कि एक काफ़िर तो वो है कि जिसने तुम्हें घरों से निकाला तुम्हारे ख़िलाफ़ तलवार उठाई तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो गया और एक काफिर वो है कि जिसने इस तरह की कोई हरकत है वो काफिर तुम्हारा दिन उसने कबूल नहीं किया इस्लाम उसने कबूल नहीं किया लेकिन वह अपने घर में खुश हैं आप अपने घर में ख़ुश हैं ये दोनों तरह के काफ़िर हैं इन दोनों तरह के काफ़िरों को कैसे डील करना है फ़र्माकम्अीकुम फ़िद्दी वलम युजुकम मंदिर तबरूह वहीम्लाब्लमुसन के देखो एक तो काफ़िर वो हैं कि जिन्होंने तुम्हारे साथ कोई कताल नहीं किया कोई लड़ाई नहीं की वलम यखरुजु कम और मंदियारुम तुम्हें तुम्हे तुम्हारे घरों से नहीं निकाला अन तब्रुम वतुस्तु इसलिए तकाजा तो यह है कि उनके ख़िलाफ़ आप भी कोई इकदाम नहीं करेंगे अगर उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ दीन के ख़िलाफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई माना इकदाम नहीं किया तो आप भी उनके ख़िलाफ़ कोई माना इकदाम नहीं करेंगे बल्कि इंसाफ के साथ रहेंगे और अगर कोई ऐसा काफिर है इनमायनकमल कातलुकम अखरजुक मंदिर कि जिसने तुम्हें घरों से निकाला है तुम्हारे ख़िलाफ़ कताल किया है तो उनके ख़िलाफ़ उतना ही ऐलमाना इकदाम जो है वो हो जाएगा हो सकता है इस बुनियाद को बयान किया और इस बुनियाद को बयान करने के बाद सूरतमत के मज़ामीन मुकम्मल होते हैं सूरत़ के मज़ामीन का आगाज़ होता है सूरत الصف, मदनी सूर मुबारक है इसमें चौदह आयात हैं और दो रुकू हैं ये सूर मुबारक भी उस वक्त नाजिल हुई है कि जब मुनाफिक और यहूद आपस में एक दूसरे के साथ रबते करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करते थे ये बात अर्ज़ की जा चुकी है गुज्त शुरह मुबारक में कि नबी करीम सल्ला ने यहूद को मदीने से निकल जाने का हुक्म दे दिया था यहूद मदीने से निकल कर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हो गए थे लेकिन मुनाफिकीन से उनका राबता रहता था और मुनाफी को वो बार बार उकसाते रहते थे चुनाच मुनाफिक इस सिलसिले में यहूद से भी रहा रखते थे और मक्के वालों से भी रहा रखते थे इस जमीन में हक आला शाह ने सबसे पहले तो मुसलमानों को एक बुनियादी तालीम दी कि देखो ये एक दुश्मन तो वो है कि जो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है तुम्हारी सफों में बैठा हुआ है एक दुश्मन वो है जो बाहर है और एक दुश्मन वो है जो मक्के में बैठा हुआ है तुम्हें इन तीनों दुश्मनों का मुकाबला करना है और इन तीनों दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले जो तुम्हें काम करना है वो क्या है कि इन लाबालदीनकिलफ़ी सबील ही सफ़न का अन नम बुनियान मरसूस तुम्हारी आपस की सफ़ें इतनी मज़बूत होनी चाहिए उनके दरमियान किसी तरह की कोई दराड़ और कोई ख़लल नहीं होना चाहिए कि जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार होती है शीशा पिलाई हुई दीवार जैसे जुल कर नैन की दीवार थी कि कोई भी चीज़ उससे आकर टकराएगी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उस दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर इत्तेहाद और इतहादाक़ पैदा करना होगा और अपनी तमाम तर चीज़ें अपनी तमाम तर अख्तिला को ठीक है अख्तिलाफ होते हैं मुख्तलफ आरा होती हैं लेकिन जब दुश्मन से मुकाबले की सूरत आएगी तो तुम्हारी सफ़ इतनी मजबूत होनी चाहिए उसके अंदर ज़रा भी कहीं दरार और कहीं स्पेस और ख़ला नहीं होना चाहिए कि जहाँ से दुश्मन को घुसने का मौका मिले लिहाजा इस इसके लिए इसके लिए उसूल क्या है तरीक़ा क्या है कि सफ़ इतनी मजबूत कैसे होगी उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसना को बयान किया गया उनकी सुन्नत को बयान किया गया और फरमाया कि देखो ये आज की बात नहीं ये तो हज़रत यम ने मरियम ने भी ये बात कही थी कि या बनी इसराइल इन रसूल मुसदही मिनत और मुबरम बे रसूल अहमद के ए बनी इसराइल मैं अपनी नबूत और रिसालत की खबर देता हूँ और मैं बशारत देता हूँ कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा सल्हल रसूलुल्लाह रसूल सल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी दो नाम आपके जाती नाम हैं एक महमद और एक अहमद महम्मद का लफ् अल्लाह ताला ने क़ुर करीम में मुख्तल मकाम पर चार मरतबा इस्तेमाल किया है और अहमद का लफ् सिर्फ इसी जगह इसी मकाम पर पूरे कुरान में एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो नबी करीम सल्ला व्लम के नाम नामी इसम ग्रामी को लेकर बायदा हज़रत ईसा हज़रत ने यह बशारत और ख़ुशखबरी दी थी लिहाजा नबी करीम सल वम की रसालत और बेसत इसीलिए हुई हैरसल <गणारी> रसूलू बिलुदादी द्दीन कुल वलो करल मुशरक़ून के रसोल्लाम की जो बेसत और रसालत हुई है वो इसीलिए हुई है कि दीन इस्लाम को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दें लिहाज़ा उनकी इतबा और पैरवी करनी है और इस सिलसिले में मैं एक आपको एक मशवरा देता हूँ हाँ हक्ता दिल्लशानु फरमाते हैं कि मैं तुम्हें हल हल्कुमुम अला तिजारत एक तजारतीदे की तरफ रहनुमाई करता हूँ और वह रहनुमाई क्या है उस रहनुमाई के नतीजे में या उस तिजारत के और सौदे के नतीजे में क्या होगा तुम जी तुम मिन मिन अज़ाबिनलीम अल्लाह ताली तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे देगा तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओगे अगर तुम उस मामले को कर लेते हो और वो मामला क्या है तुम्ला व रसूल ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान मान लाओ वह तो जाहिदून फी सभी बिम वालिकम अपनी जानों से भी अपने मालों से भी अल्लाह की राह में जिहाद करो लालकुम खैरलकुम इनकुन तुम तम यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इस बात का पता हो शरू हो या फिर लकुम जुनू बकुमकुम जन्नत तजरी वो तुम्हारी मकसरत भी कर देगा और तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल भी कर देगा लिहाजा हक हाँ आलाशाह ने नबी करीम सल्ला वदद करने का हुक्म दिया कि आपके मुतब आपके पैरोकार बन जाओ और आपके पैरोकार बनकर आपकी मदद करने वाले बन जाओ सूरत जुमां का आगाज़ होता है सूरत जुम्मा भी मदनी सूर मुबारक है इसमें ग्यारह आयात हैं और दो रुकू हैं सूरत जुमा में हक्त आला शाह ने सबसे पहले तो चूँकि वो बात गुजशत सूरह मुबारका में चल रही थी कि अरस रसूल बिलुदादी कि अल्लाह ने नबी करीम अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत इसीलिए मुकद्दर फ़रमाई है कि ताकि दीन इस्लाम को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर ये गलबा और शौकत दीन कैसे हासिल होगा इसके लिए रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम किन फ़रायज़ नबूवत को अदा करेंगे उन फ़रायज़ नबूत को सूरत जुमा के आगाज़ में इर्शादा फरमाया गया और ये वही फ़राज़ नबूत हैं जो इससे पहले भी कई मरतबा आ चुके हैं यतलोआल आयात ही अल्लाह के आयात की तिलावत वक्की हम इन लोगों का तज़िया नफ़्स वल हिकमा और इनको किताब की और हमत व दानाई की तालीम देना व इन कानून लफीज़ अल मुबीन और जिस सरी और वाज़े गमरा के अंदर ये मुबतला हैं उस गुमराही से इन्हें निजात देना यह है नबी करीम सल्ला वम के नबूत और रसालत के मकासद चन इस नबूवत और रसालत के मकासद को बयान किया गया और ये बात भी बतलाई गई कि देखो इल्म सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है किताबें पढ़ लेना या किताबें अपने ऊपर ला दे लेना ये तो एक गधे के साथ भी आप काम ले सकते हैं गधे के ऊपर भी हम मिलो तौरात गधे के ऊपर भी किताबें ला दी जा सकती हैं लेकिन असल इल्म ये है कि इंसान उस इम को अपने अंदर जज्ब करे उस इल्म के अंदर खुद जज्ब हो जाए और उस इल्म के ऊपर अमल करने वाला हो उस इल्म के पैगाम को आगे बढ़ाने वाला हो उस इल्म की इशात करने वाला हो क्योंकि हदीस मुबारक है खैरुकम मन तम कुरान व हो तुम में से बेहतर वो हैं जो खुद भी कुरान पढ़ें और बाद में पढ़ाएं भी खैरियत उम्मत की दो बातों में है सिर्फ़ कुरान पढ़ने में नहीं है सिर्फ़ कुरान का इल्म हासिल करने में नहीं है बल्कि कुरान का इल्म हासिल करने के बाद दूसरों को कुरान सिखाना है जब खैरियत होगी चुनाचे इस बात को बयान करते हुए हक्त आलाजिलाहुन इस सुर मुबारक के दूसरे रुकू में जुमे के अहकाम बयान किए गए किज़ा नूदी अल्समी यौमिल जुम आती फ़स अिक्रजलब के जब जुमे के दिन अजान दे दी जाए और इस अजान से मुराद पहली अजान है जब जुमे के दिन अजान दे दी जाए तो फिर अपनी तजारत बंद कर दो बैशरा शरा खरीदो, फ़रोख्त बंद कर दो वज़रुल वज़रब तिजारत बंद कर दो और जुमे की तैयारी के अंदर मसरूफ़ हो जाओ लेकिन जब जुमे की नमाज़ ख़त्म हो जाए फ़ैज़ा खुजियत सलात फ़न तश्रूफुलफल्ला जब नमाज पूरी हो जाए नमाज़ ख़त्म हो जाए नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर निकलो मस्जिद से और निकल कर अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ अल्लाह का फजल तलाश करो यानी उसी कारोबार में दोबारा मसरूफ़ हो जाओ जिस कारोबार में तुम जुमे की अज़ान से पहले मसरूफ़ थे और ये बात याद रखना कि वल्ल खैरलराजकिन असल रिज़ देने वाला अल्लाह है तुम्हारी तजारतें तुम्हें रिज नहीं देती तुम्हारी मेहनतें तुम्हें रिज नहीं देती तुम्हारी काबिलियतें और तुम्हारी लियाकतें तुम्हें रिस्क नहीं देती रिस्क देने वाली ज़ात और रिस्क देने वाली हस्ती जो है वो खुदा की ज़ात और खुदा की हस्ती है मुनाफिकून का आगाज़ होता है मुनाफिकून जो है वह मदनी सूर मुबारक है ग्यारह आयात हैं और इसमें दो रुकू हैं ये बात याद रखिए ये बात मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुनाफी की मुनाफाना सरगर्मियाँ उस वक्त शुरू होती हैं या उस वक्त आगे बढ़ती हैं और तेज़ होती हैं जब जब इस्लाम को और मुसलमान को गलबा मिलता है जब मुसलमानों को फतह नसीब होती है जब मुसलमान मगलूब होता है जब मुसलमान अकलीत में होता है तो वहाँ मुनाफिकत नहीं होती यही वजह है कि मक्के में मुनाफिकीन नहीं थे मदीने में मुनाफिकीन थे और इन मुनाफी का मामला ये था कि यह शुर मुबारका एक ख़ास वाक़ था जो बन मस्तलक का एक कबीला था उसके हवाले से कि रसोल सल्लम को ये इतला मिली कि मदीना मनवरा पर हमला करने के लिए बनु मुस्तलक़ के लोग जो हैं वो एक पूरा बाकायदा लश्कर तैयार कर रहे हैं चुनाचे आप अपने साहबा के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए उनसे जंग हुई उनसे कताल हुआ फिर उन्हें दावत दीन दी गई और उन्होंने दावत दीन को कबूल कर लिया चुनाचे इसी बात को बयान करते हुए इरशाद फरमाया गया कि इदा जा मुनाफिक नकाल नकल रसूल वल्लम नकल वल्ल सदाकत और सच्चाई का मेयार बताया गया कि सदाकत सिर्फ़ वाक़े के मुताबिक बात करने का नाम नहीं है हम तो ये समझते हैं ना कि सिद्क़ यानी सच्चाई का मतलब ये है कि जो बात हुई है जो वाकया हुआ है आप वाक़े के मुताबिक बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप सच्ची बात कर रहे हैं बिला ये बात भी सच में दाखिल है लेकिन यहाँ इस आयत मुबारक से सच का एक और में यार समझ में आ रहा है कि जब मुनाफिकीन ये कह रहे हैं कि इ न रसूल बिला शुबा आप ही अल्लाह के रसूल हैं इसका मतलब है मुनाफिकीन वाक़े के मुताबिक बात कर रहे हैं हकीकत के मुताबिक बात कर रहे हैं यह हकीकत है और ये दुनिया की सबसे सब बड़ी सच्चाई है जो वो कह रहे हैं लेकिन इसके बावजूद अल्लाह कहता है व्लाशदुनाफ़िकबून अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिकीन बिल्कुल झूठे हैं। सवाल यह है कि जब वो इन नकल रसूल्ला कह रहे हैं तो इन नकल रसूल्ला आप ही अल्लाह के रसूल हैं इस बात को कहने पर उन्हें झूठा क्यों कहा जा रहा है और बड़ी ताकीद से क्यों कहा जा रहा है इसलिए कि जो बात वो जबान से कह रहे हैं दिल से उसका इकरार नहीं कर रहे जब बंदा जबान से एक बात कह रहा हो लेकिन दिल से उसका इकरार ना कर रहा हो तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है वो बजाहिर नमाज पढ़ रहा है बजाहिर वो अल्लाह की इबादत कर रहा है लेकिन वो नमाज अपनी रियाकारी और नमूदनुमाइश के लिए पढ़ रहा है बजाहिर वो ग़रीब को पैसे दे रहा है लेकिन उसमें उसका इरादा और उसकी नीयत यह है कि मेरी शहरत होगी मेरी तस्वीर छपेगी अखबार में मीडिया पर मेरी तस्वीर आएगी मेरी फिल्म आएगी और इस तरह मेरी शहरत होगी चौधरी साहब ने इतनी चीज़ें दी हैं इतना फ़ला किया है अगर ये नीयत और इरादा इसका मतलब है कि वो सदका व ख़ैरात नहीं कर रहा वो झूठ बोल रहा है वो अपने अमल से झूठ बोल रहा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा वो झूठ बोल रहा है वो कोई बात कह रहा है तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है लिहाजा झूठ का में यार ये बताया गया कि जब तक इंसान कौल व फ़ैल का उसका तजाद ख़त्म ना हो जब तक उसके कौल का और उसके कलबी अक़दे और नज़रिए का तज़ा ख़त्म ना हो उस वक्त तक समझ लीजिए कि वह झूठ बोल रहा है

हिज़ा जा तो वो न एक लम्हा इधर हो सकता है ना उधर हो सकता है सूरत तवाबन का आगाज़ होता है अ तवाबन अरबी में हसरत को कहते हैं और इस सूर मुबारक में अहल जहनम की उस हसरत का जिक्र है कि जो जन्नत वालों को जन्नत में जाते हुए और जन्नत की नेमत से फ़ायदा उठाते हुए देखेंगे तो ये हसरत करेंगे काश हम भी इसी तरह का अमल करते हम भी इसी तरह नमाजें पढ़ते हम भी इसी तरह सच बोलते इसी तरह का किरदार और सीरत का मुजाहरा करते जैसे मुसलमानों ने किया तो हम भी इसी तरह आज जन्नत और जन्नत की नेमतों में जा रहे होते इसको योम तगाबुन कहा गया कि ये हसरत का दिन है कि जब काफिर जो हैं वो हसरत करेंगे उन लोगों के ऊपर के जो लोग जन्नत में जा रहे होंगे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने वाले होंगे लिहाजा इस हसरत की वजह से इस तगाबुन की वजह से हक्शाह ने इस सूर मुबारक का नाम सूरत तगाबुन रखा इस सूर तगाबुन के मुतालिक ये बात कही जाती है एक हदीसी मुबारक में अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि कोई कौम मसायब वालाम में अगर मुबला है किसी वबा में किसी बीमारी में मुबतला है तो वह सूर तवा की तलावत करे अल्लाह ताला उस वबा से और उस बला से उसे निजात अता फ़रमाएगा तो सूरत तवाबुन के मजामी आए सूरतलाक़ के मजामी शुरू होते हैं सूरत अलाक़ के मजामी में हक शाह ने तलाक़ के अहकाम बयान फरमाए ये मदनी सूर मुबारका है इसमें बारह आयात हैं दो रुकू हैं और इसमें ये बात शुरू में जो बात बतलाई गई वो ये बतलाई गई कि या यूँ नबीज़ातनसाफ़तलक़ूल्दतसल्दा कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ दे तो इद्दत को ज़रूर शुमार इद्दत के जो दिन हैं और वह इद्दत के दिन तीन माह हैं उन तीन माह यानी तीन मरतबा मेनस का शुमार करें और उसके शुमार के बाद वो इद्दत से आज़ाद होगी और इस शख़्स के निकाह से आज़ाद होगी ये नसब की हिफाजत का एक तरीक़कार है ताकि पूरी पुख्ता तौर पर और यकीनी एतबार से ये बात मालूम हो जाए कि औरत हाम नहीं है इस ज़मीन में हक्ता शाहानू ने जहाँ जोजैन के ताल्लुकात को और इन चीज़ों को बयान किया वहाँ ये बात इरशाद फरमाई कि वज आ मखरजा वरज़कमिनईस तसम जो अपने घरेलू मामलों में अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा यानी घरेलू मामल भी इंसान के लिए तकवा का तकाजा हैं घरेलू मामला दुरुस्त होना यह उसके मुतकी होने की कीत है घरेलू मामलात ख़राब होना या घर में इंसान का बहुत वसीला और बहुत गैज़ गजब वाला होना यह उसके तकवा की कीत नहीं है माफ़ कीजिएगा उसके तकवा की कीमत यह है कि वो घर वालों के साथ बहुत मेहरबान और बहुत शफीक हो और उसके घर के मामला बहुत अच्छे चल रहे हों जब यह तकवा का मुजाहरा वो करेगा अल्लाह ताला उसे ऐसे रास्तों से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जो उसके वहम गुमान में भी नहीं होंगे नवी सूरह मुबारका यानी आखिरी सूरह मुबारका अट्ठाईसवें पारे की सूरत तहरीम है ये मदनी शूर मुबारक है इसमें बारह आयात हैं और दो रुकू हैं इस शुरह मुबारक का बुनियादी मजमून भी यही है कि मियाँ बीवी के आपस के जो ताल्लक़ हैं वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ और पूरी शफ़कत और मोहब्बतों के साथ होने चाहिए दोनों के दरमियान ग़लत फ़हमियाँ नहीं पैदा होनी चाहिए चुनाच इस तरह की गलत फहमियाँ रसोल्ला और अजवाज मतहरा के दरमियान पैदा करने की कोशिश की गई थी और इस तरह की कोशिश हुई थी और रसोल्लाम ने यह समझा कि ये मेरे और मेरी अजवाज के दरमियान कुछ ऐसे पैदा करने की ग़लत फहमियाँ कोशिश हो रही है तो आपने इस सिलसिले में एक चीज़ के न खाने की कसम खा ली थी और ये समझ लिया था कि मैं उसे हराम समझता हूँ उसी को यानबी तब तरजिक्लाफ़ूर फ़रकुम तहता चुनाचे इस कसम को हलाल और इस कसम को ख़त्म करने के का एक तरीक़ा बताया गया तीन रोज़े रखे जाए तीन रोज़े रखे जाए या दस मस्किनों को खाना खिलाया जाए चुनाचे हक तलाशाह ने इस बात को बयान फरमाया कि आपस में मर्द औ औ औ औ औरत के जो ताल्लुक़ हैं वो ताल्लुकात महब्बतों की बुनियाद पर होने चाहिए वो ताल्लुकात उसवारी की बुनियाद पर होने चाहिए वो इस तरह के नहीं होने चाहिए कि जिससे लोगों के दरमियान गलत फ़हमियाँ पैदा हों और लोग मियाँ बीवी के दरमियान ख़लिश पैदा हो उनके दरमियान जुदाई की बातें होने लगे उनके दरमियागी की बातें होने लगे चुनाचे हफ्ता आलाजिलाशाह इस बात को इशाद फरमाते हुए फ़रमाया कि देखो वह मरियम अबनत इमरान लती असनत फ़रजहा फ़न फी ही मिल मिलना वसद बिलिमा तिरबिहा वतुबी ही वकानत मिल्कानीन के जब हज़रत मरियम ने अपनी इज्जत वसमत की हिफाजत की तो अल्लाह ताली ने उन्हें कितनी नेक औलादा फ़रमाई तो जो ख़वात अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करती हैं अपने घर को जुड़ा हुआ रखती हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद साल अता फ़रमाता है अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद अता फ़रमाता है इसलिए मर्दों को अपनी ज़िम्मेदारी समझने की ज़रूरत है औरतों को और ख़वान को अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने और उन ज़िम्मेदारियों को अदा करने की ज़रूरत है अगर वो ज़िम्मेदारियाँ का माकू अदा होती रहें तो फिर तलाक़ की जुदाई की तफरीक़ की कोई नौबत नहीं आएगी हक तलाजिलाशान हमें इन हिदायात को समझने और इन तलीमत पर अमल करने की हिम्मत और तोफ़ी नसीब फ़रमाए आमीन व आखिर दावाना अनिल रबालम